नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की तारीख आज मुकर्रर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने आगामी 22 जनवरी 2020 तारीख को निर्धारित की है, जिस दिन निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। वहीं जैसे ही ये जानकारी मेरठ के पवन जल्लाद को भी मिली, उसका कहना है कि आखिर उसको उस दिन का इंतजार ही था जो मिल गया, जब उसको निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना। पवन जल्लाद का कहना है कि जब भी उसके पास बुलावा आएगा, वो हर तरीके से तैयार है, सजा देने के लिए तुरंत जाएगा, जिसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है। पवन जी, अब मैं भाग जाऊं उधर को उधर को भाग जाऊं। पवन भाई, ये बताइए 22 तारीख के लिए जो मैंने आया है, चार लोगों का डेथ वारंट का, मैं रेडी हूं, तैयार हूं मैं इसके लिए। किस तरीके से आपने तैयारी करी है, क्या आपको फरमान अभी तक मिला है? मेरे पे तो अभी कोई वैसे कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 22 तारीख का जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। और वो तो 22 तारीख में जो भाई डेथ वारंट जारी किया है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, जो आपको तारीख का पता चल गया, कितने लोगों को फांसी दी जानी, क्या चार लोगों को दी जा रही है? निर्भया के चार लोगों को दी जा रही है। तो अभी तक आपसे जेल प्रशासन ने किसी अभी कोई बात नहीं करी? मैं अगर बात करेंगे, मैं तैयारी में अपनी जो तैयार हूँ। कैसे शुरू करेंगे तैयारी? करेंगे जब जैसे वो वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे इसका, रस्ते से चेक करेंगे, और तक तब अगर चारों कहेंगे चारों वाले दो दो करके ले लेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको क्या लेटर मिला था, क्या था? पहले लेटर मुझे कोई नहीं मिला, कोई आदेश नहीं था मेरा, क्योंकि 16 दिसंबर को जो रद्द हो गई थी वो। 16 दिसंबर को? जी। तो उसमें आपको तैयार रहने के लिए कहा गया? तैयार रहने के लिए कहा था मुझे उस लेटर में, तैयार रहने के लिए कहा गया था। लेटर नहीं मिला था मुझे इसका, जेल प्रशासन को मिला, केवल मुझे वैसी सूचना मिली थी मुझे कि आप तैयार रहिए। आप इस फांसी को देने के बाद अगर आप देते हैं तो परिवार वाले के लिए क्या मैसेज होगा? परिवार के लिए जो मेरे 125 करोड़ वासी है मेरे, जो ऐसे ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ये ऐसे जो है निर्भया कांड करते हैं, बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। और मैं भी एक माता पिता होने के जो नाते से कह रहा हूँ, मैं जो मेरे बहन भाई है, मेरे बुजुर्ग